अगर मैं आपको एक दिन के लिए टेलीपोर्टेशन की पावर दे दूं, तो वो सबसे पहली जगह कौन सी होगी जहां आप जाना चाहोगे? क्या वो स्विस बैंक का लॉकर होगा, या फिर एलॉन मस्क का घर, या इन पिरामिड्स के अंदर, या फिर एरिया 51 में? मरना थोड़ी ना है। पर जो भी हो, मुझे पता है आप अंदर ही अंदर ये सोच रहे होगे कि क्या बकवास कर रहा है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल कहां है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से गलत हो। इस वीडियो में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है और ये कैसे किया जाता है। और हाँ, अगर आपने गलती से टेलीपोर्टेशन का यूज किया तो अब आपके साथ जो अजीब अजीब चीजें होंगी वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। क्या आपकी 1000 कॉपीज बन जाएंगी, या फिर आप इस गेम सिमुलेशन से बाहर निकल के असली इंसानों से मिलोगे? टाइप 7 सिविलाइजेशन, जिन्होंने वो दुनिया बनाई है जिसमें आप अभी बैठे हो। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सब काम कैसे करता है? तो अभी हाल ही में 2017 में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने मिलके अचानक से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने एक पार्टिकल को सक्सेसफुली 1400 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट के अंदर टेलीपोर्ट करके दिखाया। तो आखिर ये हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम ह्यूमन बॉडी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी को सब एटॉमिक लेवल पे स्कैन किया जाएगा, मतलब हर एक एटम की पोजीशन को स्कैन करके नोट डाउन किया जाएगा एक फाइल के अंदर। एंड जब आपकी बॉडी के सारे एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, तब उसी इन्फॉर्मेशन को साइंटिस्ट्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाएंगे। ध्यान से देखो, क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है कि वो एटम कैसा दिखता है, कहाँ पे है बॉडी में, वगैरह वगैरह। एंड उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके वहाँ पे एक मैजिकल कंप्यूटर आपको दोबारा से बनाएगा, रीबिल्ड करेगा, और जो आपकी ओरिजिनल बॉडी होगी पॉइंट ए पे, साइंटिस्ट उसे, बहन जी जरा चाकू देना, देखो हमें तुम्हारी इस बॉडी को खत्म करना होगा, तभी तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, तभी तो जो तुम्हारी दूसरी कॉपी बनी है वहाँ पॉइंट वी पे उसे टेलीपोर्ट माना जाएगा, तभी तो वो तुम कहलाओगे। एंड यू आर लाइक, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जाने दो। वैसे इतनी ड्रामेबाजी नहीं होगी, अगर आपकी बॉडी के एटम्स वहाँ पॉइंट वी पे क्रिएट हो रहे हैं तो आपकी ओरिजिनल बॉडी के एटम्स पॉइंट ए पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, साइंटिस्ट्स को अपने हाथ रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये इतना ही आसान है तो अभी तक किसी ने किया क्यों नहीं है? यहीं पे आती है इस चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो ये है कि जो इंसान टेलीपोर्ट करना चाह रहा है, कंप्यूटर को उसकी बॉडी के सारे एटम्स, जो कि लगभग इतने होते हैं, इन्हें बारीकी से स्कैन करना होगा, एंड फिर उस इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे सेंड भी करना होगा, और वो लाइट की स्पीड से। एंड फिर वहाँ पे कोई दूसरा मैजिकल कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपके हर एक ओरिजिनल बॉडी के एटम्स को दोबारा से बनाएगा, और ये नंबर दिखने में जितना छोटा लग रहा है, कैलकुलेट करने में ये ट्रिलियन ट्रिलियन एटम्स बन जाएंगे, जिन्हें अभी के टाइम पे तो कोई कंप्यूटर एनालाइज नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो या गूगल का क्वांटम कंप्यूटर। पर उन चाइनीज साइंटिस्टों का क्या, जिन्होंने सैटेलाइट में कुछ टेलीपोर्ट किया था? तो हाँ, उसे 100% बिल्कुल टेलीपोर्टेशन बोलेंगे, पर उन्होंने सिर्फ एक फोटोन पार्टिकल को टेलीपोर्ट किया था। पर हमारी बॉडी एक पार्टिकल से मिलके थोड़ी ना बनी है, और जितने भी पार्टिकल से मिलके बनी है वो सब के सब कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रहे हैं, सब एटॉमिक लेवल पे। हमें बिल्कुल फील नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो बिल्कुल अलग है क्वांटम लेवल की दुनिया से, वहाँ चीजें अलग ही चलती हैं। उनकी पोजीशन को जानना और उसे स्टोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है हमारे लिए। पर अभी आपके हाथों में जो अजीब सी पानी की पत्ती है जिससे रोशनी बाहर आ रही है, वो भी तो इम्पॉसिबल ही है किसी स्टोन एज गाय के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक मैमद को ही पकड़ना सीखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबली फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे आप किसी एक छोटे से चेम्बर में जाओगे एंड फिर सीधा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी एक प्लेनेट पे निकलोगे। पर एक बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, और वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, वो ये है कि बचपन से लेके अभी तक आपने जो टेलीपोर्टेशन देखा है ड्रैगन बॉल जेड और मूवीज में, रियल लाइफ में टेलीपोर्टेशन उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन उसे टेलीपोर्टेशन ना बोल के अगर हम उसे मर्डर एंड रिक्रिएशन बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझाता हूँ कैसे। इस बात की क्या गारंटी है कि उस जगह पे पॉइंट वी पे आप बनोगे या आपकी एक कॉपी बनेगी, जिसके अंदर आपकी सारी मेमोरीज होंगी, सारे इमोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रीम्स, डिजायर्स, इंटेलिजेंस, नॉलेज, बिल्कुल जितनी आपके अंदर है उतनी, ना आपसे ज्यादा और ना आपसे कम। पर फिर भी आपकी ओरिजिनल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंड वो दूसरी जगह पे जो बना है वो है तो एक कॉपी ही, भले ही आपकी हो बिल्कुल सेम टू सेम। क्या आप उसमें खुद को महसूस कर पाओगे, या जिस वक्त आपकी ओरिजिनल बॉडी खत्म हो जाएगी उसी वक्त आप भी इस दुनिया से खत्म हो जाओगे? आपकी कॉन्शियसनेस, ये तो अभी तक एक मिस्ट्री है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें कॉन्शियस बनाती है, हमें हम बनाती है। क्या वो ब्रेन है, सोल है, बॉडी है, पता नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। और क्या हम कभी अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर भी पाएंगे किसी और की बॉडी में, या अपनी एक कॉपी में, भले ही सारे एटम्स को ट्रांसफर कर दिया जाए तब भी? ये थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इसकी और ज्यादा डेप्थ में बात मैंने इस वीडियो में की है, आप चाहो तो उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी रही बात टेलीपोर्टेशन की, तो अगर आपको अपनी कॉपी
कॉपीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो आगे बात करते हैं। वो सबसे पहली जगह कौन सी होगी जहाँ आप जाना चाहोगे? सोचो, आप जितनी अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोच सकते हो उतना सोचो। क्या वो जगह एरिया 51 होगी, या फिर ये, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या इन चोरों का म्यूजियम जहाँ कोहिनूर रखा है, या FBI के हेडक्वार्टर में, या उससे भी बड़े स्केल पे सोचे तो क्या वो जगह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर कोई एक ऐसा प्लेनेट होगा जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती होंगी, एलियंस, और वो भी टाइप 7 सिविलाइजेशन, मतलब उनके आगे अर्थियंस यानी आप लोग तो चिंपैंजीज के बराबर हो इंटेलिजेंस के मामले में। आपको ये टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, पर उनके लिए ये रोजमर्रा का काम होगा। उनके घरों में कोई गेट नहीं होगा और ना ही कोई हवा में उड़ता हुआ व्हीकल। पर अर्थ से बाहर जाने से पहले आपको एक ऐसा काम जरूर कर लेना चाहिए जिससे आपकी स्किन सलामत रहे। नासा के हेडक्वार्टर में जाके वहां से एक बेस्ट क्वालिटी का स्पेस सूट चुराना होगा बिना कैमरे में आए, मुश्किल तो है। एंड देन फिर आप गैलेक्सी में ही क्या किसी दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हो जहाँ आपको हो सकता है कि आपके ही जैसे कई सारे अर्थ के लोग मिल जाएं। क्योंकि सोच के देखो, अगर कल को आपको टेलीपोर्टेशन की पावर सच में मिल गई तो आप अर्थ छोड़ के तो डेफिनेटली भागोगे ही, क्योंकि कोई रशियन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे ही पास्ट में कई लोगों को पावर्स मिली होंगी और वो अर्थ छोड़ के भाग गए होंगे और यहाँ दूसरी यूनिवर्स में आके उन्होंने अपनी एक फैमिली बना ली है और अब वहाँ उनसे आपकी मुलाकात होती है स्पेस सूट में। तब आप रियलाइज करोगे कि अर्थ के जो लोग हैं वो सब बेवकूफ हैं, पावरलेस हैं, अंधविश्वास के पीछे भागते हैं और छपरियों को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो सबके सब अर्थ से ही भागे हुए हैं पर अच्छे लोग हैं, और अब तो इनकी पूरी एक कम्युनिटी बन चुकी है। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो तो मैं अभी ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम एक ऐसे प्लेनेट पे बैठा हूँ जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में है और यहाँ शांति शांति है। कुछ अर्थ की लड़कियों का नाम है जो कि मेरे साथ आई हैं। शांति से मेरा मतलब साइलेंस नहीं था। बाय द वे, क्या आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सुना है? मतलब अगर आप किसी एक प्लेनेट पे 2 सेकंड भी बिताते हो एंड वापस अर्थ पे आते हो तो यहाँ 100 साल बीत चुके होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो टेलीपोर्टेशन से फिर टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है। आप पास्ट में नहीं पर फ्यूचर अर्थ में जरूर जा सकते हो। पहले कुछ टाइम किसी और गैलेक्सी में बिताओ, फिर वापस अर्थ पे लौट के आओ एंड यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी नौसिखिए से हो चुकी होगी। जेन जीज के बेटों ने ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे जैसे आपने नहीं पहन रखे, और मैं उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग नहीं है वहां तक। एंड देन आप इस सब को रिवर्स भी नहीं कर सकते हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप टेलीपोर्ट करके फ्यूचर अर्थ पे तो जाओ लेकिन हमारी वाली इस अर्थ पे नहीं, उसी की जैसी एक क्लोन्ड अर्थ पे। ये मार्वल वाला मल्टीवर्स नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टाइप 7 सिविलाइजेशन है जिनकी बॉडी पतली होती है पर दिमाग का साइज सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो हिलते डुलते नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करते हैं, तो इस सिविलाइजेशन में किसी एक बच्चे ने अपने कंप्यूटर में हमारी इस यूनिवर्स को बनाया हो और उसी ने अपने दूसरे कंप्यूटर में एक और दुनिया भी बनाई हो और आप टेलीपोर्ट करके उस दुनिया में पहुंच जाओ और वो एटम से नहीं बनी है, वो बिल्कुल एक अलग ही चीज से बनी है और उस जगह पे टाइम भी रिवर्स में चल रहा है। या यूं कहूं कि आप अभी जिस दुनिया में हो उसका टाइम रिवर्स में चल रहा है, लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनका टाइम रिवर्स में चल रहा है, हमारा नहीं। ये कितना कंफ्यूजिंग है, आप अभी उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें फिजिक्स के रूल्स भी नहीं चलते हैं। सोच के देखो, ये बच्चे ने हमारी पूरी फिजिक्स को डिजाइन किया हो और इन महाशयों ने उस बच्चे की बनाई हुई फिजिक्स को अभी तक डिकोड किया है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि टाइप 7 सिविलाइजेशन क्या होती है, और उसके पापा की तो अभी तक मैंने बात ही नहीं की है। अगर ये सब आपको बेतुका लग रहा है, आप सोच रहे हो कि भला कोई अपने कंप्यूटर में ये पूरी अर्थ और यूनिवर्स और ह्यूमंस को कैसे डिजाइन कर सकता है, तो भाई हमें ही देख लो, हम ह्यूमंस ने अभी जस्ट GTA 6 गेम को बनाया है। और ऐसे भी रूमर्स हैं कि उसके NPCs में AI को भी डाला जाएगा, मतलब वो जो इंसान रोड्स पे चलते रहते हैं गेम के अंदर जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता है, अब वो भी उस गेम के अंदर अपनी जिंदगी जिएंगे, सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, जॉब पे जाएंगे या जो करना होगा वो करेंगे। आई डोंट नो कितने लेवल की इंटेलिजेंस दी जाएगी, पर हाँ AI को तो डाला जाएगा। नाउ क्या गारंटी है कि हम वो NPCs ना हो टाइप 7 सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से? तो गाइस ठीक है, मेरी कोडिंग यहीं तक थी, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी तरह अमर बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, निराश नहीं करूंगा। बाय।